मोहल्ले में माता का जगराता था, मेरे दोस्तों ने अनाउंस कर दिया कि मैं कुछ गाने वाला हूँ, और मुझे कुछ गाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं। लेकिन आपकी बेटी को माइक पर गाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो भी हम सब से छुपाकर। और ये इन सबकी मदद कर रहा है। थप्पड़ तो मारो। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे? आपको पता भी नहीं है कि आपके पीठ के पीछे ये लोग क्या कर रहे हैं। टीचर के जाली सिग्नेचर किए और हमें सर्कुलर दिया ताकि मैं इनकी बेहुदा हरकत के लिए हाँ कर दूं। तो और क्या करते? आपसे कोई बात कर सकता है? आपने कभी बच्चों को समझने की कोशिश की है ठंडे दिमाग से? अगर गिन्नी परमिशन मांगती तो क्या देती आप? हाँ देती, उसे परमिशन जरूर देती। परमिशन देती अगर परमिशन सही बात के लिए होती तो। आपको पता है वो क्या गाना चाहती है? हाँ हाँ पता है मुझे, क्या गलत है उसमें? अगर कीर्तन गा सकती है तो और कुछ क्यों नहीं गा सकती? हाँ, आज इंग्लिश गाने गाएगी, कल इंग्लिश कपड़े पहनेगी, फिर सिगरेट पिएगी, शराब पिएगी, तब देखिएगा। बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो? ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? राजी। ओ जी आप प्लीज, थप्पड़ मारना था क्या इस बात पर? मुझे घर जाना है। हाँ चलो चलो बच्चों। और भाई साहब, गलती सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं, आपकी बेटी की भी। ये नकली सर्कुलर आपकी बेटी राशि ने बनाया है। विंकी प्लीज, बहुत देर हो गई है, अब सोना चाहिए। कल सुबह मुझे नौकरी पर भी जाना है। रावी तुम कमरे में जाकर सो। सनी तुम भी जाओ। चलो विंकी। स्वीटी जी, मेरे आने से पहले आप गिन्नी को कुछ मत बोलना। रॉकी तू यहीं रह, गिन्नी माँ के साथ जा। माँ सुनो। I'm sorry माँ, माँ प्लीज बात तो सुनो। माँ मैं सच कह रही हूँ, माँ मैं नहीं गाऊंगी स्कूल में। माँ I'm sorry माँ, माँ प्लीज, माँ बात तो सुनो। I'm sorry माँ। डैडी जी थे ना, बस गुरुद्वारे में सेवा करते रहते थे। एक तरह से मैं वहीं पला बड़ा। साथ ही पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, लेकिन सपने बड़े बड़े देखता था। छोटा मोटा काम शुरू कर दिया, जीएसटी एजेंसी की लाइन पकड़ ली। पापा जी ने बहुत दिया, स्वीटी जी जैसी बीवी थी, सोचा सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर मैंने एक और भी बड़ा सपना देखा।
देखा कि एक दिन मेरा बेटा होगा और उस वास्ते मैंने ये बोर्ड बनाया और यहां ना जगह खाली छोड़ दी। सोचा बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, वो सब करवाऊंगा जो मैं खुद नहीं कर पाया, और फिर वहां पर उसकी डिग्री लिखूंगा। डिग्री अब तू बता भाई क्या लिखूं मैं। रॉकी सिंह अहलूवालिया जेल रिटर्न। चाली सर्कुलर बनाने वाला वही मेरा धंधा जो है ना, बहुत गलत गलत काम होते हैं इसमें, बड़े बड़े अफसरों के पैर पड़ता हूं, चापलूसी करता हूं, घूस भी खिलाता हूं, घूस। लेकिन बापा जी की कसम, आज तक मैंने जाली पेपर बनाकर ना तो किसी को फ्लैट बेचा है और ना प्लॉट। सॉरी डैड, मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तो बस वो गिनी के लिए। और जानता हूं पुत्र, जानता हूं, लेकिन तुम उससे भी तो बात कर सकता था ना, अपने डैडी से। वो जानता है तू, ये जो बड़े बड़े चोर गुंडे होते हैं ना, ऐसी छोटी छोटी हरकत करके ही बड़े बनते हैं। और तेरे सर की कसम रॉकी सिंह, अगर लाइफ में कभी भी तू जेल गया ना, तो मैं तो खुद को फांसी चढ़ा दूंगा। प्लीज ऐसा मत कहिए। I'm really sorry, Dad. I love you. मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं राशि से बात नहीं करूंगा और तुम भी उसे कुछ मत कहना। लेकिन जीत, प्लीज जा। If you love me, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन राशि को एहसास दिलाना ही होगा, उसने सिर्फ गलती नहीं की है, उसने एक सीरियस गलत काम किया है, और उसे यह बात समझ नहीं होगी। क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? क्या मुझे उनका ख्याल नहीं है? क्या मैं उनके अच्छे बुरे की समझ नहीं रखती? अगर मैं थोड़ी सी सख्त हूं तो उनकी भलाई के लिए ना। आप ही सोचिए पापा जी, इतना ख्याल रखने के बावजूद आज इन लोगों ने यह हरकत की, और क्या मेरा हक नहीं बनता कि इनकी गलतियां फौरन इनके सामने लाकर रखूं, इन्हें गलतियां करने से रोकूं? फिर पापा जी, मैंने तो वही किया ना जो आपने हमें सिखाया था। आपने कभी हमें फिल्मी गाने नहीं सुनने थे, कभी इंग्लिश गाने नहीं सुनने थे, लेकिन हमारे लिए क्या था कि पापा जी और मम्मी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो हमारे बारे में बेस्ट समझते हैं, तो हमारे बच्चे। देख पुत्र, तुम्हारे बचपन में मैंने तुम लोगों के साथ जो कुछ भी किया होगा, जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा सही रहा होगा। तो समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब अब तुम लोगों की परवरिश में हो सकता है मुझसे भी कुछ गलतियां हो गई हों। क्यों यार, माँ कहाँ? पापा, माँ मुझसे बात नहीं कर रही है, उन्होंने खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया है।
देख पुत्र, माता पिता बनकर ही सीखा जा सकता है माता पिता बनना। अब माँ के पेट से तो हम भी सीख के नहीं आए थे ना भाई, तो टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी जमाना बदल गया है पुत्र जी। नहीं पापा जी, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। अगर कुछ बदला है ना, तो बाहर की दुनिया बदली है। बच्चों के घर से बाहर निकलने से लेकर घर वापस आने तक ना, पता नहीं मन में कैसे कैसे ख्याल आते रहते, हर सेकंड दिल डरता रहता है। डैडी जी, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। रोना आ गया, बट आई एम सॉरी। हाँ, रोने से पहले तो मैंने आपकी परमिशन ली ही नहीं। स्वीटी जी, आप खामखा खामखा आपने कहा था ना, जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं किसी से कुछ ना कहूं। अब तो आप आ गए हैं ना, अब मैं कह सकती हूँ। आज के बाद जिसके जो मन में आए वो करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर मम्मी, सच कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, जो तुम लोगों को करना है करो। तेरे स्कूल में वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है ना, पार्ट ले ले तू, मुझे कोई एतराज नहीं। ये तेरे पापा का हुक्म है। पर मा, मैं कीर्तन क्लासेस भी जाना चाहती हूँ। सच, तेरी मर्जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस। वैसे रात काफी हो गई, सोना है तो सो जा, वरना मेरी बात माननी कोई जरूरी नहीं। जो तुम लोगों के मन में आए करो। नहीं, मैं तो सोने ही जा रहा था। गुड नाइट डैड। गुड नाइट मम्मी जी। गुड नाइट मम्मा। डैडी जी गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। उठिए जी, सुबह हो गई है, आपको वॉक पे जाना है। अजीब, सुबह सुबह कौन वॉक पे जाता है भाई? वॉक पे तो सुबह सुबह ही जाया जाता है। हाँ, लेकिन आपने कल रात को बताया ना, चाहिए था ना कि आज से वॉक पे जाना पड़ेगा। कल रात को आपके पास वक्त कहाँ था? कल रात को तो आप मेरी खामियां ढूंढ रहे थे। घर में सबको लग रहा था कि मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंटती हूँ। डार्लिंग जी, ऐसी बात नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, आपने कहा है ना, तो कल सुबह से ना मैं रोज वॉक पे जाऊंगा, कसम। देखिए जी, मेरा काम है कहना और आपका काम है मानना। मानना है तो मानिए, नहीं मानना मत मानिए। आज बोल रही हूँ, कल से बोलना भी बंद कर दूंगी। लेकिन आदत है ना, जाते जाते जाएगी, तो जब तक ये आदत नहीं जाती ना, तब तक झेल लीजिए। मैंने कपड़े निकाल के रख दिए, जाना है तो जाइए, वरना आपकी मर्जी। ओ यारा, वो कितनी बार का है बीवी की हाँ में हाँ मिलाया करते हैं, पंगा नहीं लेते। किन्नी, चलो उठो। बस 2 मिनट माँ। गिनने में बार बार आवाज नहीं दूंगी, उठना है तो उठ जा। ये देखो कपड़े फैला कर रखे हुए हैं, मैं नौकर हूँ इनकी, उठाती रहूँ कपड़े बार बार, ये इतना काम रह गया है। सुबह उठाओ, इनके कपड़े तैयार करो, ये सोते रहें। गिन्नी, अगर स्कूल जाना है तो उठ जा, नहीं जाना तो ठीक है, बस यही काम रह गया मेरा। अलार्म क्लॉक बन के घूमती रहूँ सवेरे सवेरे इनकी, फिर भी कदर नहीं है। डैडी जी, अरे डैडी जी उठो ना, ये ट्रैकर पैंट लेके क्यों लेटे हो?
डैडी जी उठो वरना माँ आ जाएगी। ओ तेरे पर से नींद आ गई। ओ भाई जल्दी जॉगिंग जा इसके पहले कि तेरी बीबी आ जाए। डैडी जी मैं क्या करूँ बताओ ना। किस बारे में भाई? मैं रॉक कंपटीशन में पार्ट लूँ या नहीं? देख पुत्र, एक बार मैंने तेरे खातिर तेरी माँ से बात कर ली, बार बार नहीं करने वाला वरना वो मुझे ही फेल कर देगी। और फिर कल रात परमिशन तो दे दी थी ना। लेकिन गुस्से में ना डैडी जी। देख पुत्र, प्यार से परमिशन तो मिलने ही नहीं वाली। और किसने कहा था तुम दोनों को वो सर्कुलर वाली हरकत करने को है? और कोई आइडिया नहीं आया था ना। अच्छा सॉरी डैडी जी। रॉकी भैया भी सॉरी है। सच? एक काम कर, माँ को मक्खन लगा, घर के काम में हाथ बटा और बोल तू गुरुद्वारे भी जाएगी। रावि राशि जल्दी करो बेटा, लेट हो जाओगे फिर से। जी थैंक यू। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा वो हमारे स्कूल में ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन है, देख लो कैसा है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा चैंपियन। तू क्या ब्रश किया? वेरी गुड। इधर आओ। सुपर सनी ने कोई सपना देखा? मैं मून पर उड़ रहा हूँ। मून पर उड़ रहे हो? हाँ मून पर चल नहीं सकते ना, हमने टीवी में देखा था ना, इसलिए मैं मून पर उड़ रहा था। लेकिन पता है कि मून पर उड़ते क्यों है? क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम होती है। ग्रेविटी? जब मैं शाम को ऑफिस से आऊंगा तो तुमको ग्रेविटी के बारे में बताऊंगा। ओके पापा एक बार प्रोजेक्ट देख लो, बताओ ना कैसा है। पिंकी इसका प्रोजेक्ट चेक कर लो और इससे कहो कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूं। मम्मी पापा ना राशि दीदू इससे बात नहीं कर रहे हैं। बैठ जाओ यहाँ चुपचाप खाओ। पापा आई एम सॉरी पापा। पापा प्लीज मुझसे बात करो ना पापा। पापा वो छोटा सा गला मैंने गिनी के लिए बनाया था, पर आई प्रॉमिस पापा आज के बाद मैं कोई झूठा काम नहीं करूंगी। सच पापा। पापा 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 प्लीज मुझसे बात करो पापा। आई एम सॉरी, बहुत बहुत सॉरी पापा। पापा राशि बस बेटा सुनी नाश्ता बैग कहाँ है तेरा स्कूल के लिए? राशि रहने दे, मुझे नहीं चाहिए तेरी मदद, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, परमिशन तेरे पापा ने देनी थी वो उन्होंने दे दी। माँ मैं स्कूल से आकर गुरुद्वारे भी चली जाऊंगी कीर्तन क्लासेस के लिए, खाना आकर जल्दी खा लूंगी और गुरुद्वारे से आकर अपना होमवर्क भी कर लूंगी। माँ तुम्हें जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने नाश्ता बना दिया, दोपहर में पनीर की सूखी सब्जी और राजमा बनाने वाली हूँ, और कुछ चाहिए तो बता दो वो भी बना दूंगी। यही सब करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। इतना सब करो फिर भी सुनने को मिलता है कि मैं किसी के लिए कुछ करती ही नहीं। माँ आप प्लीज ऐसा मत सोचो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप कहो तो ही मैं कंपटीशन में पार्ट लूंगी। मेरी परमिशन की वैसे भी जरूरत नहीं, तेरे पापा जी ने हाँ कर दिया ना उतना ही बहुत है। इसमें क्या है? माँ इसमें एक्स्ट्रा टी शर्ट और टॉवल है, वो
रिहर्सल्स में पसीने आ जाते हैं ना, इसलिए वैसे तुम्हारी रिहर्सल्स कितने बजे तक हैं? स्कूल के बाद रोज आधा घंटा। मीनाक्षी की गाड़ी आएगी ना तो मैं उसी के साथ आ जाऊंगी। जो तुम लोग की मर्जी करो। स्वीटी जी, जा रहा हूँ जी जॉगिंग पर, जाओ ना। क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों ऐसी शक्ल बना रखी है? तुझे उसे क्या मतलब? राशि, तमीज से बात कर और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आप ही जलती थी ना मुझसे कि पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप ही ने नजर लगाई है, अब पापा मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। हाँ तो क्यों करेंगे, हरकतें देखी अपनी। तो मैं सॉरी कह रही हूँ ना, प्रॉमिस कर रही हूँ आज के बाद नहीं करूंगी ऐसा। रावी दीदी, आप पापा को बोलो ना कि मुझसे बात करे, प्लीज। आखिर आप मेरी बहन हो ना। सॉरी, इस बार मैं बीच में नहीं पड़ने वाली। माँ को भी आपने ही बताया था ना, तब क्यों बीच में पड़े आप? एक्सक्यूज मी, ये सब गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था, समझ आई? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.